हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडियम में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एक और बार स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग पढ़ सकते हैं। इस बार जो वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है, कार्यालय आदिसष्टा बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर, कहने वाली बात है, सागर मेडिकल कॉलेज है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। और यहाँ पर देखिए पूरा विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया है, कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, पोस्ट यहाँ पर क्या रहेंगी, कैटेगरी वाइज मैं आपको जानकारी दूंगा किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है, लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगी। और आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, इंटरव्यू आपका मात्र यहाँ पे लिया जाएगा, इस बेसिस पे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सैलरी पैकेज, आयु सीमा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे कवर करूंगा। इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे यहाँ पे छूटना चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जानकारी सरकारी भर्ती की इसी तरीके से आगे भी पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी अभी हाल ही में यहाँ पे आई है, और डेट आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 8 जुलाई 2020 को ये भर्ती विज्ञापन यहाँ पे शामिल किया है। पोस्ट आप सभी लोग यहाँ पे देख लें, लिखा हुआ है मेडिकल ऑफिसर के पदों पर अस्थायी भर्ती हेतु विज्ञप्ति। कहने वाली बात है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे सागर में, और मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये पूरा वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। और देखिए, रिक्त पदों का विवरण आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, पोस्ट यहाँ पे एक ही रखी गई है मेडिकल ऑफिसर के लिए, और कुल पद आप सभी लोग यहाँ पे देख लें 41 यहाँ पे रहेंगे, जिसमें से देखिए अनरिजर्व के यहाँ पे 19 पद हैं, दो वैकेंसी यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगे, ये EWS वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाले। शेड्यूल कास्ट की यहाँ पे 6 वैकेंसी है, OBC की भी यहाँ पे 6 वैकेंसी है, और शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 8 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, वॉक इन इंटरव्यू आपका यहाँ पे लिया जाएगा, मात्र एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और आप लोगों को देखिए आवेदन करना तो बोला जा रहा है, आवेदन दिनांक जो है 9 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे तक जो है कार्यालय बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय है, यहाँ पर जाके आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबसे नीचे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है, आप लोगों को अपनी बेसिक डिटेल जो है अपनी यहाँ पर फिल करनी होगी, और जो यहाँ पर कार्यालय है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जाके आप लोग यहाँ पर सबमिट कर दें। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर, तो देखिए 21 साल जो है आपकी कम से कम यहाँ पे उम्र होनी चाहिए, और देखिए ये जो एज है आप लोगों की 1 जनवरी से यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। सैलरी पैकेज आप सभी लोग यहाँ पे देख लें, 60,000 रुपये सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जो निर्धारित दर यहाँ पे तय कर रखी है, और आपको जो है वेतनमान पर मंथ बेसिस पे 60,000 रुपये सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, क्वालिफिकेशन के तौर पर आप सभी लोग यहाँ पे जान लें क्या क्या आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। देखिए, मान्यता प्राप्त संस्था से MBBS डिग्री होना आपके पास यहाँ पे जरूरी हो, उत्तीर्ण हो, पासिंग हो आप लोगों की, और देखिए बोला जा रहा है मध्य प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन, कहने वाली बात है, डिग्री के साथ जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य का जो यहाँ पे मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन रहता है, ये आपके पास यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, तो देखिए शुल्क आपको यहाँ पे देना होगा, फीस आपको यहाँ पे देनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो देखिए यहाँ पे जितने भी अनारक्षित हैं और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे 500 रुपये फीस देंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट जो है 250 रुपये आप लोग यहाँ पे फीस पे करेंगे। और देखिए कहाँ पर आप लोगों को ये फीस पे करनी है, बैंक ड्राफ्ट आपको यहाँ पर बनवाना होगा, और ये जो बैंक ड्राफ्ट है किसके नाम पर बनेगा, अधिसष्टा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर, इसके नाम पर आपको जो है ये बैंक ड्राफ्ट यहां पे बनवाना है। फीस आप सभी लोग यहां पे देख लें, जो भी आपकी कैटेगरी रहती है उसी हिसाब से आप लोग यहां पे फीस पे कर दें और बैंक ड्राफ्ट यहां पे बनवा लें। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में, तो देखिए बोला जा रहा है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, यह आवेदन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है, जिसके दोपहर 12 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाकर 2 बजे आवेदनों की स्क्रूटनी कर यहाँ पे शाम 4 बजे आप लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन जो है विचार नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा, 12 बजे तक का आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है, जिस दिन आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। 2 घंटे के अंतर्गत देखिए आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी यहां पे कर ली जाएगी, और 4 बजे के टाइम जो है आप लोग का इंटरव्यू लिया जाने वाला है।
और दोस्तों इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रक्रिया यहाँ पे क्या रहेगी, किस तरीके से आपका यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर MBBS के प्राप्त अंकों में से 80% यहाँ पे अंक यहाँ पे लिए जाएंगे, 80% जो है आप लोगों की क्वालिफिकेशन से यहाँ पे लिया जाने वाला है, और बाकी का जो बचा कुचा जो 20% का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे इंटरव्यू का। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है, अगर आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप लोग यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है, और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपने यहाँ पे सबमिट करने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फोटोकॉपी का फॉर्म सेट जो रहता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। तो जिस दिन आपका यहाँ पे इंटरव्यू है आप लोग यहाँ पे लेकर सारे उपस्थित यहाँ पे हो जाएं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, और पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको यहाँ पे कैरी करके ले जाने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की है, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई थी, आप सब लोग यहाँ पे इंटरव्यू में यहाँ पे जरूर शामिल हो। COVID-2019 भर्ती यहाँ पे रहने वाली है, 3 मंथ के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो है सागर, और COVID-2019 महामारी के रोकथाम हेतु मेडिकल ऑफिसर के लिए ये अस्थायी नियुक्ति आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की है, जल्द से जल्द ये अपडेट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा है। सबसे पहले और सबसे तेज ये अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आगे भी, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे ना छूटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। नेशनल हेल्थ मिशन और स्वास्थ्य विभाग की हर सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।